लुधियानवी ने कहा है ना कि जो तार से निकली है वो धुन सब ने सुनी है, जो साज पे गुजरी है वो किस दिल को पता है, अशकों में जो पाया है वो गीतों में दिया है, इस पे भी सुना है कि ज़माने को गिला है। सो ये जो गीत आज हम सुनने वाले हैं और जिस आर्टिस्ट एंड फनकार से हम मिलने वाले हैं, ये कोई एक दिन का सफ़र नहीं है, इसके पीछे बेशुमार लाजवाल फनकारों की एफर्ट्स हैं। वो तख्लीकार, वो मौसीकार जिन्होंने ये धुनें बनाई, वो शायर जिन्होंने गीत और बोल लिखे, वो गुलकार जिन्होंने इसको आवाज़ें दी, वो तमाम साज जो कि हम आहंग हुए, तो ये खूबसूरत कॉम्पोजिशंस हमें सुनने को मिली। सो आज हम एक्चुअली ट्रिब्यूट पेश करेंगे उन सबको। लेकिन जिस शख्सियत को आज हमने यहाँ पर दावत दी है, वो अपने अंदर एक बहुत बड़ा अहद है, इसे कि बहुत सारे साज ऐसे हैं जिनकी खूबसूरती को पूरी दुनिया मानती है, लेकिन उनकी कमाल ये है कि उनके हाथ में जब ये साज आता है तो ये साज बजता नहीं है, ये साज गाता है, गुनगुनाता है। और ये बहुत बड़ा कमाल होता है किसी भी साजिंदे का कि साज जो है वो उसके हाथ में उसे ज़बान मिल जाए। सो आज हम मिलेंगे एक ऐसे फ़नकार से जो उस्तादों के उस्ताद हैं, जिन्होंने अपने फ़न का जब आगाज़ किया तो उससे लेकर आज तक मेरा ख्याल है कोई अवार्ड नहीं है जो कि उनके हिस्से में ना आया, और जहाँ जाते हैं लोगों का दिल जीत लेते हैं और उनकी बहुत सारी मोहब्बतें समेटते हैं। लेकिन उसके साथ साथ PTV अवार्ड दो दफ़ा जीत चुके हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इनके पास है, सितारा इम्तियाज़ इनको मिल चुका है, और इंशाल्लाह अनाउंस हो चुका है हिलाल इम्तियाज़ भी इनके लिए, और 23 मार्च को हम देखेंगे कि वो भी इनको मिल जाएगा। लेकिन ये अवार्ड्स इनके फ़न के एतराफ़ में कुछ कम है, इसलिए कि इनका फन इससे बहुत बड़ा है। आज हम मिलने जा रहे हैं उस्ताद रईस अहमद खान से। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक, कैसे हैं आप रईस भाई? ठीक है, शुक्रिया, तशरीफ रखिए। माशाल्लाह, व्हाट अ जर्नी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे देखने वाले आपको जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जो आगाज हुआ था, तो ये पहला इंस्ट्रूमेंट था जो आपके हाथ में आया था? जी, पहला इंस्ट्रूमेंट था वायलिन। वैसे तो मैं काफ़ी सारे साज बजा लेता था उस वक्त, गिटार भी, सितार हमारे घर का साज था, और मतलब हारमोनियम वगैरह, लेकिन जिस पे मैंने फोकस किया, जिसको मैं बजाना चाहता था, वो फिर वायलिन ही था। ये आपको वायलिन से मोहब्बत हुई थी या वायलिन की मोहब्बत, उसको पहले मोहब्बत हो गई थी आपसे? कैसे आपको पता चला कि दिस इज वन फॉर मी? जी बिल्कुल, मुझे हुई थी मोहब्बत। आपको मोहब्बत मुझे हुई थी वायलिन से मोहब्बत। कोई फर्क नजर आने का शौक था, इसलिए कि माशाल्लाह उस्ताद फतेह अली खान साहब जो कि बड़े अच्छे सितार बजाते थे, नफीस भाई बहुत अच्छा सितार बजाते हैं, उनको भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दोनों को ही मिला हुआ था, तो आपने कोई फर्क होने की कोशिश की फैमिली? जी बिल्कुल। और मुझे मेरे वालिद साहब ने जब पूछा था, 9 साल की उम्र थी मेरी, अच्छा, तो क्योंकि वो चाहते थे कि, ज़ाहिर है वो सितार बजाते थे, तो वो उनका ख्याल था कि मेरे बच्चे भी इस फन को लेके आगे चलें, नफीस सितार शुरू कर चुके थे, तो मुझसे उन्होंने पूछा, तो मैंने उनको कहा कि जी मैं वायलिन बजाना चाहता हूँ। साज हमारे घर में सारे पड़े ही होते थे, तमाम साज घर में, शागिर्द भी आते थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने उनको बताया कि जी मैं वायलिन, तो उन्होंने एकदम से मेरे जवाब पर एकदम से इजहार किया कि एकदम से कहा वायलिन सीखना है, इसकी कोई वजह होगी, तो दोबारा से रिपीट किया उन्होंने, वायलिन क्या है, कब सुना है, कहाँ है, कैसे, ये वो। मैंने फिर कहा जी मैंने वायलिन सीखना। अब उस वक्त के मुताबिक मैं जब उनके साथ जाता था रेडियो टीवी पे, तो वायलिनिस्ट बजा रहे होते थे, तो मुझे इसकी सबसे पहले इसकी जो वायलिन की जो शक्ल है ना, बॉडी है इसकी जो, तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी उस वक्त के मुताबिक, जो भी मेरे जहन में आता था, और इसकी पोजिशन, इसके साउंड, वो मेरे कुछ महसूस करता था मैं वो सब देख के, तो मुझे लगता था जब ये लोग वायलिन बजा रहे हैं कि मुझे भी वायलिन बजाना, तो फिर मैंने, उन्होंने फिर पूछा, फिर सोच लो, मैंने कहा जी वायलिन बजाना, उन्होंने कहा अभी शुरू करते हैं। अच्छा, तो कोई अलग से उस्ताद फिर आपके लिए, क्योंकि सितार तो वो खुद बजाते थे जी, तो वायलिन फिर कैसे सीखा? असल में मैं आपको ये बात बड़ी ज़रूरी बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने वालिद से ही वायलिन सीखा, बहुत फ़र्क है, मगरबी साज है सितार और वायलिन, लेकिन कमाल कर दिया उन्होंने कि एक सितार नवाज थे, और उन्होंने मुझे वायलिन की पोजीशन, इसकी पहली एक्सरसाइज, सरगम, ये वो सब कुछ उन्होंने मुझे बताया। और ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं किसी वायलिनिस्ट से वायलिन सीखता, मेरा ख्याल नहीं है कि मैं, जो भी अल्लाह ने आज इज़्ज़त दी है, इस पोजीशन पर हूँ, शायद मैं ना होता। उनके बेसिक क्लासिकल म्यूज़िक, जो हमारा क्लासिकल म्यूज़िक है, वहाँ से आगाज़ किया, और ऐसी टेक्निक से उन्होंने वायलिन सिखाया मुझे
तो इसलिए लोग अब बिल्कुल नंबर वन कहते हैं, मेहरबानी है। सिर्फ पाकिस्तान में नंबर वन नहीं, जहाँ जाते हैं ये इन धुनों का वायलिनिस्ट का शुमार होगा आपका उसमें। लेकिन ये भी दिल किया है कभी के जैसे ओपराज होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सिम्फनीज बजाई जा रही होती हैं, या कॉन्सर्ट्स? हमारे यहाँ बदकिस्मती से साजों के कॉन्सर्ट्स का उतना रुझान बहुत कम है। हाँ जी, मगरब में बहुत ज्यादा है कि वहाँ भी मैं आप जाएं और इस तरह परफॉर्म करें। आई एम श्योर आपने किया भी होगा। मैंने किए, बहुत सारे किए हैं। और पाकिस्तान में जब मैं था, मतलब यानी जब मैं यहाँ पे स्टार्ट लिया वायलिन, तो मैंने ऑर्केस्ट्रा में ही शुरू किया था। अच्छा, मतलब जितने भी हमने रिकॉर्डिंग्स की हैं पहले 8-10 साल जो हैं ऑर्केस्ट्रा में, जैसे ऑर्केस्ट्रा में वायलिन बजता है, 8-10 वायलिन होते हैं, गिटार, सितार, रिदम, तबला, फ्लूट, ये सब होते हैं, सिंगर होता है उसके साथ म्यूजिक, तो मैं 8-10-15 साल तो मैं ऐसे ही करता रहा। तो और फिर पाकिस्तान से बाहर जब जाने का मौका मिला तो उनके साथ उस ऑर्केस्ट्रा में भी मैंने, यहाँ तक कि तुर्की और चाइनीज़ जो ऑर्केस्ट्रा है उसके साथ मिलके भी मैंने, वो नोटेशन थी उनके पास, लेकिन मैं क्योंकि नोटेशन नहीं सीखी थी, बाय हार्ट करता था, तो वो इस बात से भी बड़े हैरान होते थे कि नोट्स लिखे हुए हैं। अच्छा, नोटेशन आपने नहीं सीखी? नहीं, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल कैसे ये सारा कुछ याद कर लेते हैं? तो वो हमारी प्रैक्टिस ऐसी थी। तो मैंने वहाँ भी जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ ऑर्केस्ट्रा के साथ भी मैंने बजाया और सोलो भी बजाया। जबरदस्त जी। अपना रही साहब, माशाल्लाह तुसा सारे साजो सामान जड़ा है कार रखे आया जी। मैं भी साज ना सामान कार रखे आया, ए हर वेले चख 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 सुनना रहना। यकीन करो वेया, तू पहले इन्हें नहीं आवाज रेडियो नहीं इस तरह होनी, बाद पता नहीं कुछ बूफर लवाई कि नहीं। अच्छा, इनका अपनी जो आवाज है उसकी तरफ ध्यान नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, ये बात भी सोचने वाली है। अभी हमने उनकी आवाज नहीं सुनी, नहीं है। उनकी आवाज अभी नहीं सुनी, आपकी हमने सुन ली। मैं तो बड़ा सुरीला, मैं जिथे गाना गाना बैजा बैजा हुई जुलनी, बस ये गलत फहमियां ही बंदे नु मारी छोड़नी है। ठीक है। अच्छा जी सर, ये हम सुनना चाहेंगे कोई आज के प्रोग्राम में, क्योंकि हमारे देखने वाले जो हैं वो चाहेंगे कि कोई ना कोई खूबसूरत धुने जो हैं उनका तोहफा भी उन्हें मिले। बिल्कुल। आज आप क्या क्या हमें सुना रहे हैं? बहुत सारे सॉन्ग मेरे जहन में हैं। अभी मैं एक सॉन्ग नूरजहान का है, सागर रोए लहरें शोर मचाए, याद पिया की आए। बिल्कुल, मैं पेश करता हूँ। Thank you.
रईस भाई, अभी आप बजा रहे थे तो मैं देख रही थी खान साहब के माशाल्लाह गाना जो है वो फिर कहीं अंदर गुनगुना रहे होते हैं। जी ये बड़ी सही बात की आपने, बिल्कुल ये बिल्कुल आप ये समझ लें कि इसके जो अल्फाज हैं और उसका अल्फाजों का जो मामला है, तासुर है, जो मामला बयान किया जा रहा है लफ्जों के थ्रू, उस मामले को मैं लेके चल रहा होता हूँ और वो जो अल्फाज की अदायगी है वो मेरे अंदर भी चल रही होती और फिर जो चीज यहाँ चल रही होती वो फिर हाथ पे आती। देखिए ना वो लहरें शोर, आपने उस मुर्गी को उसको उसी तरह से, इसलिए कि अंदर से आप गा रहे हैं साथ साथ, तो फिर अगर ये जो आपने अभी कहा कि लहरें शोर में जाए, नज़र आना चाहिए कि लहरें शोर में जाए, तो ये मैं कोशिश करता रहता हूँ कि ये धुन बजती महसूस ना हो, ऐसा लगे जैसे कोई गा रहा है, तो लगता है। वो मुझे हमेशा ये कोशिश होती है मेरी। कौन सा वो मोमेंट था जब आपको फील हुआ कि अब मैं आई हैव मास्टर्ड द स्किल? होता ना कि आप साज आपके हाथ में, लोहा हाथ में आके मोम हो जाता है जो कारीगर होता है ना। जी 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 बिल्कुल, अभी तक मुझे ऐसा नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ। अच्छा, ये बिल्कुल दिल की गहराइयों से बिल्कुल सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि जो मुझे, मैं समझता हूँ कि मुझे अभी करनी चाहिए तो नहीं, अभी तक ऐसा महसूस हुआ ही नहीं मुझे कि मेरे वायलिन मेरी गिरफ्त में आ गया और मैं जब चाहूँ जो चाहूँ इस पर जो चाहूँ कर सकता हूँ। दुनिया के तमाम स्टेज पर मैंने बहुत ज़्यादा लोग, 5,000 लोग भी, 1,000 लोग भी, 20 लोग भी, मुख्तलिफ तरह की मैंने परफॉर्मेंसेस दी और हर दफ़ा जब मैं स्टेज पे जाता हूँ तो घबराहट, मेरा मुमकिन है आर्टिस्ट लोग इसको शायद इसको समझेंगे, मुझे अभी भी घबराहट होती है कि मैं स्टेज पे जाऊँ और कुछ ऐसा करके आऊँ कि कामयाब लौटूँ और अच्छा काम हो जाए, मगर ये चीज़ अभी तक पैदा नहीं हुई जो आप अभी कह रही हैं कि क्या आपको लगता है कि अब तो आप, नहीं अभी तक नहीं हुआ, पता नहीं, देखते हैं आगे क्या। अरे ये ना एक बड़ी कमाल बात है और ये अल्लाह ताला ने आपको ये एक बहुत बड़ा वस्फ दिया, ये आप में भी है, ये नफीस भाई में भी है। मतलब आप लोगों को पता भी होता है कि आप जैसा और कोई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप इसको रजिस्टर नहीं करवाते दूसरे पे कि वो बेसुरा है या बेताला है या उसको नहीं पता, आप लोग उसको ये क्यों इतना इंकसार? और क्या आप समझते हैं कि आजकल की दुनिया में जब शोखी और अपने आप को बेचना और कमर्शलिज्म ही सब कुछ है तो इनके सार से काम चल जाता है? देखें, एक तो सबसे बड़ी बात यह कि मेरे वालिद साहब में ये नहीं था, इतनी सादगी, इतनी इनकसारी, ये तो हमने उनकी देखी है। अब वो हमें आती ना आती ज़रूरी नहीं है, ये भी तजुर्बात करके देखे हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई कि दूसरी जनरेशन जब आती है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती है ना। तो एक तो ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, जो कुछ उनके अंदर था, जो कुछ वो सोचते थे, कुछ ना कुछ वो हमारे अंदर भी मुंतकिल हुआ। तो ये जो आप बात कर रही हैं, ये इनकसारी उनके अंदर बहुत थी, शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें भी इस ये चीज़ दे दी। ठीक है। लेकिन इनकसारी के अलावा भी मैं सच्ची बात कर रहा हूँ कि ये अभी तक ये चीज़ दिल में आई नहीं है। अच्छा, कि मैं बड़ा ऐसा हुआ हो कि मास्टर हो गया हूँ? अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि आप कोई धुन बजा रहे हैं और भूल गए हों? जी बहुत ही कम हुआ है। कभी कोई, देखें ये तार है, बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आता इस पे, आपको तार पे एक बजाना है, तार का साज मुश्किल होता है, कोई मिस्टेक हो जाती है, स्टिक है आपके हाथ में, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से धुन बनती है, अल्फाज बनता है, तो वो मिस्टेक हो जाती है, वो कभी हो सकती है, लेकिन धुन भूलती नहीं है अगर याद होती है तो। ठीक है, अगर तो मुझे याद है तो वो भूलती नहीं है, मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, लेकिन कितनी धुनें आपको याद होंगी माशाल्लाह, हजारों में। जी जी बिल्कुल, हजारों में तो बिल्कुल। जबरदस्त, क्या जबरदस्त खजाना है ना आपके पास, जो सीने में महफूज है, जहन में महफूज है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई आपके सामने वो दे, जैसे आप कह रहे हैं नोटेशन नहीं है, कोई पेपर नहीं है, कोई चीज नहीं है, आपको हर चीज। जी ये सब सुना हुआ बचपन से और वो दिल में ऐसे है जैसे बिल्कुल मौजूद है। और जो धुन, अगर कोई धुन नहीं याद, कोई उसका एक अस्थाई है या उसका अंतरा थोड़ा सा जहन से निकला हुआ है, वो एक अलग बात है। वैसे वो अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की कि बेशुमार धुनें याद है पूरी दुनिया की। इसका मतलब आप सामे भी बहुत? जी 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 बिल्कुल, हमने सुना बहुत है, आज तक सुनता हूँ मैं। क्या मज़ा आता है सुन सुन के इनको, आपको बताएं, मेहदी हसन हो, नूरजहां हो, इकबाल बानो, फरीदा खानम, गुलाम अली साहब, जितने भी लोग हैं, इनकी तो मैं सारा दिन लगाई रखे, मैं नहीं थकता, इतना मुझे
लुत्फ आता है। बहुत मजा आता है सुनकर। चलें जी, हम आपकी बातों का भी लुत्फ ले रहे हैं और साथ साथ हम साज का भी लेना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, एक फैज अहमद फैज साहब की गजल है, तुम आए हो ना शबे इंतजार गुजरी है। मैं चाहता हूँ कि मुख्तलिफ चीजें सुनाऊँ आपको, कभी गजल हो, कभी गीत हो, कभी पंजाबी हो, उर्दू हो, तो ये मैं चाहता हूँ। अब ये जो लाजवाल, जैसे हम कहते हैं लाजवाल अमर गीत, जी बिल्कुल, ये आजकल भी आप समझते हैं कि ये सिलसिला जारी है और अब जो गीत गाए जा रहे हैं ये भी ऐसे ही लाजवाल और सदाबहार होंगे? मैं आपको अगर इस तरह बताऊं, देखें काम सब लोग शौक से कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अपने हिसाब से अच्छा कर रहे हैं। इस काम, ये जो हम चीज़ें कर रहे हैं, ये या जो आज चीज़ें बन रही, इसमें फ़र्क ये है, इसमें फ़र्क ये है कि ना उस तरह की मोहब्बत से किया जा रहा है जी। ना उस तरह की रिहर्सल्स हो रही हैं, ना बात को समझने की कोशिश की जा रही है, ना मामलात को समझने की कोशिश की जा रही है, और इसको एक बिज़नेस के रंग से, इसको ये जो नया काम हो रहा है बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है। तो वो चीज़ कभी भी नहीं रहेगी, ये भी नहीं रहेगा। जो रह गई हैं उस वक्त के, उस वक्त लोगों की सोच ही और थी, प्यार, मोहब्बत, मेहनत और अपने काम से दयानतदारी। म्यूजिशियन हो, सिंगर हो, कंपोज़र हो, कैमरामैन हो, सब दयानतदारी से काम करते थे। और मुझे ऐसा लगता है
कि ये जब तक तो दुनिया है ना, ये सुनता रहेंगे लोग इसको। अच्छा? हाँ, मुझे यही लगता है। जैसे आजकल हाँ, के बच्चों में जी, ये गजल और गीत और गायकी और सुर और संगीत, इन चीजों का है रुझान, क्योंकि अब तो पॉप एंड जो दूसरे हमारी चीजें, उन्होंने ज्यादा ओवरटेक नहीं हमें कर लिया, हम ज्यादा ही मॉडर्न। जी बिल्कुल कर लिया है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको बताया ना, सबसे पहली बात यह है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है ये, तो वो फिर उसी तरह ही रहेगा, ठीक है ना। उसमें फिर वो जैसे रूह को तस्कीन मिलती, मज़ा वो नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता जब तक आप यहाँ से काम नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जितने भी लोग इस पर इस वक्त काम कर रहे हैं, अभी मैंने ये देखा कि ये वाली ट्यून्स बहुत सारे, मैं देखे ना, मैं दिन रात काम करता हूँ, क्या सुनाता हूँ, यही सुनाता हूँ, और ये लोग सुनते हैं, अभी भी ये लोग सुन रहे हैं। वो सुन के जब थक जाते हैं तो फिर वो ये सुनते हैं। व्यूज, सब्सक्राइबर, फॉलो कितने, इसके ऊपर पूरा ध्यान है, और फिर तो मौसीकी नहीं आपके रूह को छू नहीं सकती, क्योंकि इस पे सारा कुछ चल रहा है। सुना है कि एक, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरूरी है। एक होती खास चीज, एक होती आम चीज। जो आम चीज होती है वो ज्यादा होती है, खास कम होती है। तो ये जो म्यूजिक है ना, क्लासिक, सेमी क्लासिक, ये खास म्यूजिक है। ये ना खत्म होगा ना बढ़ेगा, ये इतना ही रहेगा। इसको सुनने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं, और वो हैं और रहेंगे, वो रहेंगे। और जो आम चीज़ है वो तो दिन रात चलती रहती है। बिल्कुल। तो हम उनके लिए भी दुआ गो हैं, जो भी कर रहे हैं नौजवान हमारे नस्ल है, तो खुश रहें, सलामत रहें। लेकिन आप पे भी जवानी, नौजवानी गुजरी है जी। आपका पहनावा भी वही रहा, अंदाज भी वही रहा, स्टाइल भी वही रहा, गुफ्तगू भी वही रही, सांस भी वही रहा, अंदाज भी वही रहा। मेरा दिल बड़ा खुश हुआ ये सुन के, जाहिर है हम बहुत, आप हमारी जान पहचान बड़ी पुरानी है, तो आपने मुझे उस ज़माने में भी देखा है, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि वो मुझे इस बात के, कि वो ज़माने से लेके आज तक मेरी ड्रेसिंग, मेरी बातें, मेरी चीज़ें, सब कुछ वही, मुझे अच्छा ही ये लगता, उस वक्त भी ये अच्छा लगता था, आज भी यही अच्छा लगता है। तो आपका नहीं दिल चाहता कि मैं भी वक्त के लिहाज से थोड़े से कोई गाने और ये मैं भी अपबीट हो जाऊँ? मुझे लोगों ने मशवरे दिए, मेरे दोस्तों ने दिए, मेरे जो मेरे हमदर्द कह लें, कोई भी है, यार अब आप ऐसे किया करें, अपने साथ एक ऑर्केस्ट्रा रख लें, अब आप इसमें झनकार डाल दें, आप इस, सब ने मशवरे दिए, वो ठीक है, दोस्त हैं, अच्छे मशवरे दिए होंगे, मेरे फ़ायदे के लिए दिए होंगे, मेरा इस तरफ दिल माना नहीं, मैंने अपने इसी चीज़ को कंटिन्यू रखा, मुझे इसमें ही। और मैं आपको बता दूँ, देखें वो आपने भी बताया था कि किस तरह दुनिया में आपने लोग सुनने वाले हैं, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप उनको, जब आप मतलब 100 लोग बैठे हैं ना, 200 लोग बैठे हैं, तो आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए कि आप उनको कंट्रोल कर लें अपने, आप ऐसी चीज़ें उनके सामने पेश करें, ऐसी बात करें कि वो आपका म्यूज़िक सुनने के लिए बिल्कुल खामोश हो जाए, ठीक है ना। ये आपके ऊपर भी है, तो ये भी मैं कोशिश करता हूँ, उनकी मर्ज़ी की चीज़ें भी सुनाता हूँ, और हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं गिरफ्त कर लूँ पब्लिक को और अपने उनके दिलों तक पहुँच जाऊँ। तो जब आप ये कोशिश करते हैं तो फिर हो जाती है, हो जाती है। अल्लाह ताला नियतों का जो है वो उसका फल देता है। अच्छा, लेकिन हम बेस्ट की तरफ देखें ना, तो ऑर्केस्ट्रा, सिम्फनी म्यूजिक, वहाँ उनके यहाँ भी जैज भी है और रॉक उन्हीं की तरफ से आया है, वेस्टर्न म्यूजिक, पॉप, सब कुछ है, और हर जॉनरा के आर्टिस्ट मौजूद है। कोई एक जॉनरा जो है दूसरे को किल नहीं कर देता, खत्म नहीं कर देता। हमारे यहाँ ये जो ओवर पावरिंग, हमारे यहाँ शहनाई खत्म हो गई, सारंगी नहीं है। और हमारे यहाँ कितने कमाल इसके प्लेयर्स मौजूद थे, कितने हुनरमंद लोग थे, जो कि फिर कैसे खत्म हो गए, आपने संभाला नहीं, आपने उनसे काम नहीं लिया, संभाला नहीं उनको। ये तो वो लोग हैं जिनको संभालना पड़ता है। आर्टिस्ट जो होता है ना, ये वाला जो इस यानी जिसमें मेरे वालिद साहब भी शामिल हैं और भी लोग शामिल हैं, सारंगी नवाज, वो इस चीज़ की परवाह, वो इतने गुम होते हैं अपने काम में, तो उनको संभाला जाता है। उनके पास टिकटॉक बनाने का, उनको संभाला जाता है, यूट्यूब पे डालने का टाइम नहीं होता। उनकी हिफाजत करें, उनका ख्याल रखें, तो फिर वो आगे चीजें आएंगी। तो जब उनको नहीं संभाला, तो वो उसने दुनिया से तो जाना था, चले गए, ठीक है ना। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे साज खत्म हो गए और अब खत्म ही हो गए, लेकिन कुछ जगहों पे रिवायत है, मतलब यानी आप ये समझ लें कि बहुत सारे ममालिक में मैंने ऐसे ऐसे देखे जो उनके साज हैं, और बाकी दूसरे यूरोप अमेरिका के ममालिक के जो साज हैं और दूसरे मतलब
मुख्तलिफ मुल्कों में मैं गया हूँ, सब अपने अपने साज जो उनके पुराने रवायती साज थे, दो दो सौ साल पुराने लगा के रखते हैं। और अभी तक सबसे ज्यादा वैल्यूएबल आर्टिस्ट वो होता है जो इंडिजिनस जो साज है उसको प्ले करता है। ये आपके हाल में कीबोर्ड ने कितनी हमारी मत मारी है क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसने अपने अंदर जम करके जी, तो बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ। अगर आप ये कहूँ ना मैं इस सवाल का जवाब कि कीबोर्ड बजाने वाले बहुत हैं इस वक्त पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा है, और सारे साज ये अपने अंदर इसने संभाली है, तो ऐसा भी देखा हमने कि कीबोर्ड ही सारे काम कर रहा है ना इसमें वायलिन है, ना सितार वाला है, ना गिटार वाला है, ना शहनाई है, ना शहनाई है, ना सारंगी है, और ना कोई और साज है, तो वो सारा इसके अंदर आ गया। तो कीबोर्ड ने मत तो मार दी है, मार दी हाँ, बिल्कुल सही, मगर अब इसका किया क्या जा सकता है, क्या किया जा हाँ, हाँ, कुछ भी नहीं। बिल्कुल जी, मेहनत नाल हर चीज होनी जी। पहले मेरा दिल नहीं करना सी काम करने की ना, फिर मैं मेहनती लोगों नाल बहना शुरू कीता, उन्होंने भी दिल नहीं करना जी काम करने की। बिल्कुल बहुत अच्छा किया वैसे पर आप एंड ना सही दुखती राग पे हाथ रखने ना, सवाल है वो जो पूछने ना वो कीबोर्ड वाला बेचारा ही लिख गया है कि पता नहीं वो कीबोर्ड वाला जरा ना वो सारी गल्ला की समझना है, उन्हें पता है कि गल हो रही है, ऐसी गल नहीं है। बिल्कुल चले जी, अब कौन सा धुन हमें जी? बिल्कुल अच्छा जी, अब मैं एक पंजाबी गीत सुनाता हूँ आपको। कोई एक सिंगर अगर ये गाता है तो उसके पीछे देखिए कितना बड़ा ऑर्केस्ट्रा, आपका एक साज जी वही नोट्स भी लेता है, इंटरल्यूड म्यूजिक सारा कुछ वही करता है, और जो उसके लिरिक्स हैं वो भी सारे वही प्ले करता है। मुझे मुझे इस चीज का शुरू से शौक है कि सारी चीजें इसकी जो है ना वो मैं खुद से खुद बजाऊं। प्लीज ट्रांसलेट दिस धुन इनटू बोली के ये जो आपने बोला पहले इसकी ट्रांसलेट कर दे, लाउड होता है। हाँ।
इसकी ट्रांसलेशन क्या? आई टॉक दिस अपना हल्का करूं हां दिस धुन हां जड़ी वजाई हां ट्रांसलेट इनटू अलका जी बोली के ए एना तकलीफ चाण दी की जरूरत है सीधा सीधा बोली छोड़ो जो तुसी बोलना चाहने हो असल इस पहले भी एक बारी ज्यादा अंग्रेजी बोली डब्ल्यू मुंह फंसी गया टी की पाया ते कटया बड़ा रोला हुई बहुत रोला हुई ये पूछ जानना चाह रहे कि जो धुन आपने बजाई इसके बोल क्या है तुम जुग जुग जियो महाराज हम तेरी नगरिया में आए वाह 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 इसकी आखने फन अच्छा इतना जा तको ना पूरा गाना गाया ने तको हाँ, इसकी फन आखने इसी की फन आखने समझिया कर गले की मैं समझ रही हूं लेकिन परा जी डाडा समझने पे तू समझ ओ समझे ना तू समझ मैं क्यों समझा मैं इनसे बाद में समझ लूंगी ठीक है ना तो अच्छा सर ये जब आपने बजाना शुरू किया था तो अंदाजा था खान साहब के एक वक्त आएगा जब लोग आपका वायलिन सुनेंगे और इस ये बोलेगा नहीं ये मतलब बजेगा नहीं ये गाएगा ये मतलब जी अंदाजा था मैं मुझे जो कुछ भी इस वक्त है ना मुझे इस वक्त जो सूरत हाल है मेरा आर्ट मेरा फन मेरी शख्सियत मेरा घर बार मेरी फैमिली आप यकीन माने मुझे किसी चीज़ की तवक्को नहीं थी ना मुझे अंदाज़ा था मुझे लगता था पता नहीं क्या होगा पता नहीं कैसे मैं बड़ा खिलंडरा सा आदमी था क्रिकेट का दीवाना था खेलता था ये सब कुछ तो मुझे ऐसा लगता ये जो कुछ मुझे हासिल हुआ अल्लाह ने मेहरबानी की है मुझे इस चीज़ का मैं जब भी सोचता हूँ बड़ा वो क्या कहूँ मैं इसको मतलब रंजीदा भी हो जाता हूँ जज्बाती भी हो जाता हूँ ऊपर भी देखता हूँ किसी बात का मुझे तवक्को नहीं थी कि ये सब कुछ मेरे साथ होगा मेरे बच्चे उनकी तालीम उनका पढ़ाई उनकी शादियाँ बीवी घर बार ये सब और फिर सबसे बड़ी बात ये जो फ़न है मेरे पास जिसने मुझे काफ़ी अल्लाह ने मेहरबानी की कि बड़े अवार्ड से नवाजा दुनिया में घुमाया इसका तो मुझे बिल्कुल नहीं था तो मुझे अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी जब मैं रियाजत करता था तो रियाजत करते करते बजा रहा होता था तो बेसुरा हो जाता था कुछ पलटे एक्सरसाइजेज होती है ना जिसको करना पड़ता है तो हम म्यूजिक की जबान में पलटे कहते हैं तो वो मैं बजाता था तो बेसुरा हो जाता था वालिद साहब मेरे दुनिया से जा चुके थे अब हम रियाजत तो कर रहे हैं तो उन्होंने छोड़ा नहीं हमें कि वालिद साहब चले गए उन्होंने उसी तरह यानी उनका बहुत बड़ा किरदार है बहुत ज़बरदस्त अम्मी का मैं आपको बता नहीं सकता कि हमने तो वो तो आज से 40-42 साल पहले इस दुनिया से चले गए थोड़ा सा 2-4-5 साल हमने उनसे सीखा है अच्छा। और इतना कुछ उन्होंने हमें सिखा दिया आज तक वो अभी तक हमारे अंदर और वो काम आ रहा है तो जब हम रियाजत करते थे तो उन्होंने उसी तरह की रूटीन छोड़ी नहीं सुबह सुबह जगा देना जैसे वालिद साहब करते हम डरते थे बहुत उनसे तो फिर दोपहर को फिर रात को 6-7 घंटे डेली बजाना अम्मी ने ये चीज़ को कंटिन्यू रखा बहुत बड़ी बात हम इजी हो गए थे मगर तो जब मैं बजाता था ना तो एकदम रोकती थी अच्छा बेसुरा पता मुझे नहीं पता चलता था कि मैं बेसुरा हो रहा हूँ तो उनको आवाज़ घर के काम कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं एकदम उन्होंने आके कहना तुम्हें समझ नहीं आती कि तुम बेसुरा बजा रहे हो तुम्हें कब सुर की समझ आएगी ये अल्फाज मेरे कानों में गूंजते हैं तुम्हें कब सुर की समझ आएगी तुम्हें पता ही नहीं चल रहा तुम सारे गा में बजा रहे हो और मध्यम या पंचम या धैवत बेसुरा बज रहा है तो जब बेसुरा बजे तो उसको आदमी ठीक करता है तुम्हें कब तो अम्मी फिर यानी ये उन्हीं का किया हुआ उन्होंने मुझे अम्मी ने इतना मेरी इस बात के लिए अल्लाह से दुआएँ की हैं कि या अल्लाह अगर ये कुछ है ना तो इसको अगर ये बजाता है ना तो इसको सुर में बजे बस इसका इसका सुर इसके हाथ में आ जाए तो आप यकीन माने मैं अच्छा, हर माँ अपने बच्चे ओए ओए मैंने मुझे अच्छी तरह याद है मेरी वो बिल्कुल एक यानी मेमोरी जो है वो वहाँ चली गई तो वो कहती थी कि इतनी दुआ उन्होंने की इतना किया कि मेरे बच्चे को किसी तरह बेसुरा बजाएगा तो अपने खानदान और बाप का नाम कैसे मतलब बेसुरा तो उन्होंने बड़ा इसका उनका बड़ा किरदार है बड़ी रियाज है तो कुछ नहीं उनको आता था लेकिन समझाती थी वो कि इस तरह करेंगे तो अच्छा अभी आप वैसे जो बातें कर रहे हैं जी जब हम सुनते हैं हमें अंदाजा ही नहीं होता कि रियाजत कितनी है जी नस्लों का पीछे सफर है जी
ये एक ढोलक पे जो बैठा हुआ है ये अकेला है ही नहीं, इसके पीछे पता नहीं कितनी नस्लें जो हैं उनका सफर के बाद ही आके ऐसी बात आप है। कितनी जनरेशन के बाद और कितनी नस्लों के बाद कोई गुनी पैदा होता है, बिल्कुल ठीक, जो के जो है ना फन को एक स्टेप आगे ले जाता है, ये यानी खून में आता है, फिर विरसे में आता है, फिर कहीं जाके आगे मुंतकिल होता है नस्ल दर नस्ल। वी टेक इट वेरी फॉर ग्रांटेड, हमारे यहाँ वो इतना रिस्पेक्ट, इतनी उस चीज की वैल्यू कदर नहीं है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता, वो वजह हैं इसमें। तो इसके बावजूद हमने या और साथियों ने और लोगों ने इसको जितना भी कर लिया, ये उनकी हिम्मत है, ये बहुत हिम्मत है। देखें ये बहुत हिम्मत है, बहुत हिम्मत, जितना आज कर लिया पाकिस्तान को जब सॉफ्ट पावर के तौर पे आपको दुनिया को मुतारिफ कराने की जरूरत पड़ती है तो हमें वॉयलेंट की जरूरत पड़ती है कि हम एक तहजीब याफ्ता कौम है जहाँ आर्ट भी है, लिटरेचर भी है, मौसीकी भी है और इससे लुत्फ लेने वाले और इसको समझने वाले लोग भी। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं आपको बताऊँ कि इसको थोड़ा सा इसको मैं नुमाया कर देता हूँ, क्या क्या सुना, क्या क्या सहा इस दौरान, इस सफर के दौरान, मेरी बात को आप, मैं समझ गई, क्या क्या सुना है, क्या क्या सहा, क्या क्या बर्दाश्त किया है, उसके बावजूद इसको नहीं छोड़ा। इस पे एक वाकया छोटा सा ना, वो करते हुए गाना सुनते हैं आपसे। ठीक है। कहते हैं कि एक ना हीरा था, एक बड़ा ही कमाल किस्म का पत्थर था और वो हीरा जो है एक कुम्हार को मिला ऐसे जाते हुए, उसने कहा यार बड़ा चमकदार पत्थर है, उसने अपने गधे के गले में बांध दिया। अच्छा वो अब वो बड़ा एक बादशाह का गुजर हुआ, उसने वो हीरा देखा, उसको पहचान थी, उसने कहा यार ये तुमने ये कहाँ से लिया है? तो उसने कहा कि जी ये मुझे मिला था, तो उसने कहा मुझे दे दो ना। तो उसने कहा आप ले लें। अच्छा। तो कहा कितने का दोगे? देखो भाई बेचारा कुम्हार था, उसे इसकी वैल्यू नहीं पता, तो उसने कहा एक टके का दे दे, उसने एक टका दिया और ले लिया। अब बादशाह ने जैसे ही इसे लिया तो पत्थर टूट गया, तो बादशाह ने कहा कि यार ये इतनी सख्ती में उस गधे के गले में तू ठीक ठाक था, मैं तुझे ताज में जड़ने लगा हूं तो टूट गया। तो पत्थर की से आवाज आई कि उसे मेरी कदर नहीं मालूम थी, तू तो मेरी कदर जानता था और तूने मेरा मोल नहीं डाला, तो मैं तेरे ताज में नहीं जड़ सका। क्या बात, बहुत जबरदस्त। सो ये जो ये वो मिसालें हैं, ये वो बातें हैं जो जो आपको सबक मिलते हैं इन बातों से। हाँ। तो ये बड़ी जबरदस्त बात, और ये बात तो याद आया रही साहब, और है तानू कोई गल है जिसको कुछ याद ना, तुम्हारी गल दी वैल्यू और खत्म हो रही है। ए खुदा जो लोग बनाने थे पत्थर के अगर, तो मेरे एहसास को शीशा ना बनाया होता। ओए वेरी गुड भाई, वाह वाह, पहली कोई चंगी गल की थी वैसे, इस वेले दूसरी चंगी गल की थी। चलिए सर क्या सुनाने जा रहे हैं?
बेटा भी बहुत सुरीला है जी, लेकिन उसने साज नहीं, उसने आवाज को तरजीह दी जी बिल्कुल। सो आपने भी उसके ऊपर इम्पोज नहीं किया? नहीं किया बिल्कुल। मैंने जी बिल्कुल, देखे लोगों ने कहा, जैसे मशवरा देने वाले बहुत लोग होते हैं कि यार तुम्हारा नाम जिंदा रहे, यानी तुम्हारा नाम रहे पीछे से, तो बेटे को वायलिन सिखाओ। वो बहुत आगे की दूर की नहीं सोचते, वो एक आम बात कर देते हैं। कि एक और चीज मैं आपको बता दूं, मुझे बिल्कुल कतन शौक नहीं है, ना मेरे दिल के अंदर ये बात है कि मेरे नाम लेवा हो, मुझे लोग याद करें, मैं ऐसा कुछ कर जाऊं। मैं एक चीज जानता हूँ, ये मेरे अंदर है ही नहीं है, एक चीज जानता हूँ, मैं इस दुनिया में आया हूँ, जो कुछ मुझसे हो सका, जो कुछ बन पड़ा वो मैंने कर दिया करके वापस। अब मेरा नाम लेने वाला कोई, मेरा यहाँ जिंदा रखने वाला कोई, मुझे इस चीज का बिल्कुल नहीं। और ये कोई कर भी नहीं सकता, अपना काम करके चले जाए, ये कोई कर भी नहीं सकता, ये रब है बिल्कुल, जिसको चाहे। मेरी जो जिम्मेदारी थी, जो काम लगा, जो जिसको चाहे वो, तो वो आप ये इस तरह उन्होंने कहा कि ताकि पीछे कोई हो के यार ये फलाना तुम्हारा, तुम लेगेसी को लेके चले, लेगेसी चाहे वो गा रहा है लेके तो चल रहा है। तो उसने इसकी तरफ तवज्जो कम दी और उसने गायकी की तरफ, जब मैंने उसका जुनून देखा गायकी की तरफ, तो एकदम से मैंने फैसला किया कि मैंने शुरू करवाया था वायलिन, थोड़ा सा बजाया दो चार महीने सारा, लेकिन उसका दिमाग मैंने देखा कि वो गाने के सिवा कहीं और है ही नहीं। तो मैंने कहा तुम गाओ, तो अब वो मैं वायलिन बजाता हूँ, अगर मैं ज़बरदस्ती उसको वायलिनिस्ट बना दूँ, क्या शोर है कि वो अच्छा बजा सके, जी, 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 कोई ज़रूरी नहीं है। और ये तो बहुत ही कम मैंने चांस देखे हैं इस तरह के, ठीक है ना, अल्लाह कर दे तो ठीक है। और आपने कितनी कमाल बात की, हमारे देखने वाले कि बच्चों के एप्टीट्यूड को जहन में रखना चाहिए। मैंने फौरन उसको पकड़ा, मैंने कहा आप इसका तो जुनून है गाने में, तो वो अब माशाल्लाह वाकई बहुत अच्छा गा रहा है, और काफ़ी उसके नए गाने भी आ गए हैं मार्केट में, जो अपने बनाए हुए गाने उसके वो भी आ गए हैं, शोज भी कर रहा है, तो वो कामयाब हो गया। तो वायलिन बजाना है तो फिर बहुत अच्छा बजाओ, नहीं तो ना बजाओ, ठीक है ना, तभी आपको लोग कहेंगे कि आप रईस साहब के बेटे हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा हल्का बजाएंगे तो फिर बातें करेंगे बिल्कुल। अच्छा एक चीज जो मैं जानना चाहूंगी, मतलब आप तो सेटिस्फाइड मुतमईन रहे, जब हम बात करते हैं ना आर्टिस्ट की कदर की, हम लफ्जों में ही कदर जो है वो करते हैं जी, उसको जी। ना हम बड़ी गाड़ी देने के लिए तैयार हैं, ना उसको अपने मुकाबले बिठाने के लिए तैयार हैं, अवार्ड्स जितने मर्जी दे दें उसको, उस वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, जिसे उसे पता चले कि ये मेरी कीमत नहीं है, ये मेरी कदरदानी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल जो की जा रही है, बिल्कुल यही वो बात है जो मैं आपको थोड़ी देर पहले कर रहा था। तो आप इस पे भी कभी रंजीदा नहीं हुए, कभी इस पे भी डिसहार्ट नहीं हुए, और आपने कभी इस पे, यानी सूरत हाल इस तरह की होती रही है, जिंदगी है, गुजर रही है, मुख्तलिफ वाकयात हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, कई दफ़ा बहुत कुछ हुआ होगा, तो थोड़ी देर के लिए महसूस तो होता है, दिल है, दिमाग है, सोच है, तो लेकिन उसको वो है ना, मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, तो इसको बर्दाश्त करता रहा और आगे बढ़ने की। और ये हमारे आर्टिस्टों की एक और बहुत बड़ी एबिलिटी है, हाँ। दुनिया में उनको शायद आर्टिस्ट को इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, हाँ। जो हमारे यहाँ पे करना पड़ता है ज्यादा, तो लेकिन इसके बावजूद वो आगे आते हैं जी, और अपनी इंफरादियत और बिल्कुल। और मैंने सारी बहुत जगहों पर सारी जिंदगी मुख्तलिफ मौकों पर ये सब कुछ हुआ है, मगर मैंने इसको एक तरफ करते हुए आगे बढ़ना है। आपने उसको अपने लिए रुकने का नहीं जी, नहीं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो अब कैसा लग रहा माशाल्लाह, मतलब सितारा इम्तियाज के बाद अब हिलाले चांद और सितारा दोनों आपके गोद में आ गए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए ये मेरी मुझे सब ये बड़ी एक जरूरी बात है, मुझे मेरे मुल्क ने जी मेरी खिदमात को सराहा है। देखिये मेरे वालिद साहब को भी मिला था, अब हमारे घर में 5 अवार्ड है, ये बहुत बड़ी खिदमत है जी। एक मेरे वालिद साहब के पास है, एक मेरे भाई के पास है, तीसरा मुझे मिलने जा रहा है, 3 मुझे मिल गए, तो ये हमें हमारे मुल्क ने दिए, उन्होंने हमारी खिदमत को सराहा, ये हम शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं। लेकिन यू नाउ यू आर द मोस्ट डेकोरेटेड पर्सन इन योर फैमिली, सबसे ज्यादा माशाल्लाह। तो कोई फैमिली में इस बात पे होता है कि यार मतलब उस्ताद रईस साहब को तो धड़ाधड़ एजाज पे एजाज मिले जा रहे हैं, और क्या इसका मतलब हम ये समझें कि वायलिन को पसंद करने वाले लोग सितार की नस्बत ज्यादा है? नहीं ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। मैं थोड़ा पब्लिक में बहुत ज़्यादा वो हो गया हूँ, लोग मेरे ये जो चीज़ें मैं पेश कर रहा हूँ
बहुत सुनना चाहते हैं, बहुत सुनते हैं, और सरकारी और गैर सरकारी जगहों पे मैं बजाता हूँ। लेकिन फिर वही बात करूँगा कि जब आप उनको उनके उस दिल में उतर जाएंगे ना, तो फिर कोई सोचेगा यार इसके लिए ये करना चाहिए। तो साज सुन के तो हम पहले भी बजाते रहे हैं, तो जहाँ तक फैमिली की बात है, बज़ाहिर तो सारे खुश हैं। तो ये तो होता ही है जी। हाँ। ये तो होता ही है यार, आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। हाँ। क्या है ये तो नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बहुत खूबसूरत, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। जी जी, इसलिए कि हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने आपके वॉयलिन को गाते सुना है ना, ये बड़ी खुशनसीबी है। हर दौर में जैसे हम कहते हैं ना, कोई बड़ा साइंसदान पैदा होना, कोई बड़ा म्यूजिशियन पैदा होना भी किसी भी कौम और मुल्क के लिए एक बड़ा तोहफा होता है। बिल्कुल सही, सुरीले लोग पैदा हों, जिन जो जो खूबसूरत सुर रखने वाले, समझने वाले लोग पैदा हों, और वो उस दौर में आप जिए। अब जैसे मैं बड़ा रश्क करती हूँ आप लोगों पे, इतने खूबसूरत गीत इनके लिखने वाले, इनके कंपोज करने वाले, इनके गाने वाले, इनके बजाने वाले आप लोगों ने देखे, मैं सुने, मैं हम तो अब उनकी आगे नस्लों से सुन रहे हैं ना। बिल्कुल, देखिए मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, ये भी चीज़ मेरे अंदर है जो है उसको बताना चाहिए, कि आपने कहा आपको हज़ारों गाने याद हैं, मैंने कहा जी मैं बजाता हूँ, कोई अपनी चीज़ें बनाओ, दोस्त हैं, मशवरे देते हैं, लोग हैं, आप दे सकते हैं, कोई दे सकते, कोई अपनी चीज़ें बना। मुझे उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता, इतना मुझे इश्क है इनसे कि मैं इसके सिवा कुछ बजाने नहीं चाहता। मतलब इतनी चीज़ें हैं कि अभी तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अपनी चीज़ बनाने की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जाता। तो जब यही चीज़ बड़ी अच्छी है, मुझे भी मुतमईन कर रही, मुझे भी राज़ी कर रही, लोगों को भी कर रही, और मुझे सब कुछ दे दिया इसी ने। और वो एक और बात कि जो भी मामला ज़िंदगी में जो भी चीज़ें होती रहीं, अच्छा बुरा, डिसहार्ट, डिसअपॉइंट, जो कुछ भी है, मगर ये मुझे बचाता रहा है। मैंने इसको सीने से लगाई रखा है, और इतनी मोहब्बत मेरे दिल में वायलिन की है, तो शायद इसी वजह से मैं बचता रहा, और मुझे लगा कि जब ये जो है मेरे साथ, तो फिर क्या लेके आगे बढ़ते रहो। ये सारी वो बातें कर रहा हूँ मैं जो मेरे दिल के अंदर है थी। सर ये आप ही का म्यूजिक है जी, जी। ये गाया मैडम तरन मलका नूरजहां ने जी जी, ये उन गायकी उनकी, मगर वॉयलिन को जो आपने आवाज दी है वो आप ही ने दी जी। बिल्कुल, मलका तरन नूरजहां ने गाया, वो हमारा ही है, वो भी तो हमारा ही है ना, और इसने इसको आपने अपने अंग में, अपने स्टाइल में उन्हीं के गाने को तो अपना बना लेना, जैसे वो फैज साहब ने नूरजहां साहिबा को वो कहा था ना, मुझसे पहली सी मोहब्बत, ये आप ही के नाम कर दी है। तो इस तरह मेरी यही कोशिश है कि ये मतलब ये मेरी है, ये सब मेरे नाम होने चाहिए। बिल्कुल, मैं इसको कोशिश करनी चाहिए, कोशिश ना ही बंदा अगे बदना जी। जिस तरह तुसा गल की ना कि ए तुसा सीने ना लाया, इस नाल मोहब्बत की थी, ता ही कामयाब हो, इहदे तक ए मजाजी खुदा की मोहब्बत कर सें ते ता कामयाबी मिल सी। आप मोहब्बत मांगी जाते हैं, करके देखें, करके देखें। अच्छा एक गल सुनो, ऐ जड़ा सम बजाने हो, रबाब मांगने से नहीं मिलती, इस बात पे पहले आए, इस बात पे आए, इतनी गलती आवड़ा ते इथू लंगड़ा ओ जी, ए मेरे मथे लग गई, इसको मैं जान नहीं छुड़ाई सकना, मिनता ही करी सकना के अल्लाह ना नाई मिकी समझ, मैं ताड़ा सुर ताज हां। हां जी, अच्छा मारी गल सुने, ए जड़ा तुसी आ सुर इतना बुरा मुझे कभी नहीं लगा, ए जड़ा तुसा बजाने हो, ए त्रै किस्म ने होने, रबाब, गिटार, जी वायलिन जी, शक्ला एक ही जियां कम अलहदा अलहदा जी, हां ए तुसा ये जिया बजाई सकने हो के माड़ा दिल करे मैं उठी के नचना शुरू करी छो, नहीं नहीं, क्योंकि ऐसी वो नचना बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, ऐसी बाकी गलना बर्दाश्त करी छोड़िए, इतना ही बहुत है। मैं असल में बड़ा जोर से तुसी आराम नाल बैठे रहो, असली चाहे तुसी आराम नाल बैठे रहो बस, तुसी आखे सी ए तुसा कोल हर चीज बचाई छोड़िया ना जी, ए कुछ दिया सी मिकी भी चाहिए। अच्छा वैसे सर, इसकी वजह से कभी बचत हुई है कि कोई बहुत लड़ाई बड़ा कोई ऐसा मामला भी टल गया हो? हाँ हाँ, ये भी भाभी है के साथ, मैं मतलब बात अच्छा हाँ नहीं अच्छा, वैसे तो मेरा आर्ट उनको बहुत पसंद है, और ऑफ कोर्स जाहिर है, और यानी उनको इसी हमारी शादी हुई है
तो इसी की बिना पे हुई है। अच्छा जी, उनको बहुत था वो, इन्होंने आपसे प्यार नहीं था, उन्हें आपके वायलिन से प्यार था। नहीं ये बात नहीं है, क्योंकि वो प्यार अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए, वो उस वक्त से लेके आज तक प्यार उसी तरह कायम है। अच्छा, देखें वो जो पहले हम बात कर रहे थे ना लड़ाई झगड़ों की, वो तो आपने इसका क्लियर कर दिया, वो तो होती ना, जब तक वो ये नहीं होगा तब तक। लेकिन जिस तरह हमने अपनी फैमिली को और अपने अपने आप को ये, और मैं जो यहाँ तक ये सारा का हाथ है इसमें बहुत बहुत ज़्यादा, और वो जो प्यार मोहब्बत उस वक्त की थी वो आज तक चल रही है, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ जब तक हम जिंदा हैं ये चलती रहे। अच्छा माशाल्लाह। हाँ जी, लेकिन ये मेरे फन मेरे वायलिन को सुन के बड़ी मतलब वो कहते हैं मुझसे सुना नहीं जाता, इतना दिल के ऊपर असर करता है उनका। तो आपको मैंने पहले बताया कि वो गाने जब मैंने सुने तो मैंने सोचा था कि ये मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था ये वाले गाने में बजाऊँगा। आप एक आपके होते हुए बातें दिल से निकलती हैं, मिसाल के तौर पे आप बैठी हैं ना, मुझे पता है मेरे सामने कौन बैठा है और बातों को कैसे समझने की कोशिश कर रहा है, तो वो मेरे अंदर से ऐसी बातें ही निकल रही। अगर कोई और होता मुमकिन है मैं ये बातें ना करता, मुझे मेरा ये ख्याल है। तो आपको जिस तरह सामने से वो मिल रहा है, ये वो क्या कहते हैं वेव्स होती है, ठीक है ना, तो वो कनेक्ट करती हैं, फिर हम जानते भी हैं, तो वो इसलिए आज मैंने इस तरह की बातें आपके साथ की हैं कि मुझे पता है जो सामने सुनने वाला है वो मेरी बातों को बहुत अच्छे तरीके से। तो ये जो धुन आप सुनने जा रहे हैं इसकी इमोशनल वैल्यू भी है, क्योंकि ये भाभी की तरफ से डेडिकेटेड है। जी बिल्कुल, मैं उनको सुनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि जी जरा इसका रिकॉर्ड कर लें, मैं जाके सुनाना चाहता हूँ कि आपने मुझे सुनाए थे तो मैंने ये टीवी पे बजाए हैं और मुझे इतने पसंद आए। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ भाभी का, और आपको बहुत मुबारक हो, बहुत नवाजिश, इम्तियाज का मिलना भी, और इंशाल्लाह जिंदगी वक्त मुलाकात का सिलसिला जो है वो जारी रहे, अल्लाह ताला और आपके फन को और आपके सुर को निखारे। आमीन। बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हुई इस शो में आके और इस प्रोग्राम में आके, और खास तौर पे आपके होते हुए। बहुत शुक्रिया सर, आपसे भी इजाजत लेंगे, मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीकेंड। अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ हैप्पी वीकेंड, अल्लाह हाफिज़।